हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? दिस इज साइंस एजुकेटर अक्षय कुमार उपाध्याय। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस मैडनेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले किस बारे में सर? आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंसेस। अब यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है हथियार रेडी है। अच्छा, ये मेरे डायलॉग है जो कि मैं अनअकैडमी के लेक्चर्स में हमेशा यूज करता हूँ। मुझे कुछ बच्चों ने पर्सनली मैसेज किया कि सर आप यहाँ पे क्यों नहीं बोल रहे हो, अनअकैडमी पे तो ठीक है बट यहाँ पे क्यों नहीं? ओके, तो चलो यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके, तो हथियार इज नथिंग बट योर बुक एंड पेन बच्चों, तो जल्दी से रेडी कर लो बिकॉज इस सेशन में हथियार की जरूरत पड़ने वाली है। ओके, डायग्राम्स बनाने के लिए, और हथियार बहुत ज्यादा जरूरी है आपके नोट्स बनाने के लिए। चलिए, सो वी आर रेडी। ओके, वी विल स्टार्ट विद द सेशन पहले। ओके, तो लेट्स सी आज क्या करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। इससे पहले अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है जिसमें हम लोगों ने रूल्स पढ़े हैं कि कॉन्वेक्स लेंस से कैसे इमेजेस बनते हैं, तो प्लीज वो रूल्स, तीनों रूल्स को एक बार अच्छे से देख लो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस पड़ा हुआ है और हमारा छोटू बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। अच्छा, छोटू नहीं पता, छोटू इज आर एक्सप्लेनेटरी कैरेक्टर जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है इस लेंस के अंदर से देखने की, और बाकी लोग देख रहे हैं तो दिख रहा है कि छोटू का जो ऑब्जेक्ट है ये तो उसका ऑब्जेक्ट है और ये बड़ा सा होते हुए दिख रहा है यहाँ पे। तो इसका रीजन क्या क्या हो सकता है, क्या हुआ है ऐसा छोटू के साथ जिसकी वजह से छोटू का इमेज इतना बड़ा दिख रहा है, राइट? तो ये सब भी चीजें हम लोग डिस्कस करें इस सेशन में। तो जल्दी से हथियार रेडी कर लो। और हथियार में क्या क्या आएंगे, बुक, पेन, पेंसिल एंड रूलर। ये तीन चीजें या चार चीजें लगने वाली है आपको इस डायग्राम को बनाने के लिए, इन इन टाइप के डायग्राम्स के बनाने के लिए। हम लोग सिक्स केसेस के बारे में बात करेंगे, केस वन से लेके बच्चों केसेस डिस्कस करेंगे, टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स केस तक पढ़ेंगे, और ये छह के छह केस आपके टेक्स्ट बुक में लिखे गए हैं बट उसके डायग्राम्स नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके डायग्राम्स को भी प्रैक्टिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे उसके डेप्थ को भी। तो तीन रूल्स अगर अभी तक नहीं देखा तो मैं नहीं बोलूंगा इसके आगे कंटिन्यू करो, प्लीज डोंट कंटिन्यू। प्लीज जाके वो वीडियो देखिए, आई बटन में उसका लिंक दे दिया है मैंने, उस वीडियो को देखो, उसमें दिया है रूल्स कैसे सॉल्व करते हैं, और उन रूल में से कोई दो रूल अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप इमेजेस इजिली बना पाओगे। चलो चलो चालू करते हैं पहले सेशन के साथ। तो पहला हम लोग केस क्या लेंगे, चलो केसेस डिस्कस करेंगे। तो केस वन वुड बी, हमारा केस वन क्या होगा कि हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे लें, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इनफिनाइट डिस्टेंस पे है ऐसा हम लोग कंसिडर करेंगे। तो मैं कहूंगा मेरा ओ जो है, ओके, ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है, इनफिनाइट डिस्टेंस पे। फॉर एग्जाम्पल जैसा मून, अगर मून को आप दूर से देखते, मून नहीं बोल सकते, मैं स्टार बोल सकता हूं, एक्चुअली मून तो फाइनाइट दिखता है मुझे, स्टार्स कहते हैं हम लोग। चलो, तो स्टार्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हम लोग ऐसा कंसिडर करेंगे, कुछ कुछ स्टार्स तो दिखते भी नहीं, इतने छोटे होते हैं। तो उनका इमेज आपने देखा होगा कि जब भी उसका इमेज बनता है तो वो ना एक ऐसा पॉइंट साइज बनता है। वो क्यों बनता है, क्या रे डायग्राम्स को देख के बनता है? नहीं, क्योंकि वो रियल लाइफ में हो रहा है, हमेशा याद रखना है रे डायग्राम्स उनको देखे बनाए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स कंसिडर कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे बहुत दूर कहीं पे ऐसे लाइट आ रही है। तो जब भी ऐसा कोई केस होता है बच्चों तो समझ जाना यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आपका जो है ऑब्जेक्ट रखा गया है। चलो रेज ऑफ लाइट को ले आते हैं। तो लेट से यहां से एक रे ऑफ लाइट आ रही है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से। लेट से दो रे ऑफ लाइट ले लेते हैं, आप चाहो तो मल्टीपल ले सकते हो, आप चार भी ले सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है? तो हमने कोई दो रे ऑफ लाइट ले लिए जो पैरेलल ही आ रही है, ओके? तो हम लोग अभी फोकस वाला केस, ऑप्टिक सेंटर वाला केस नहीं ले रहे, हम लोग कंसिडर कर रहे कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है। एंड ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है मेरे, क्या है ये? अब ये हर सेशन में हर जगह पे मैं लिखूंगा नहीं बच्चों, तो आपको थोड़ा आपको खुद से भी समझना पड़ेगा। दिस इज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट साइन कन्वेंशन के हिसाब से, राइट? इंसिडेंट रे है, लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं हम लोग हमेशा, ये रे ऑफ लाइट है। अब आफ्टर रिफ्रैक्शन रूल वन क्या बोलता है, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी रिफ्रैक्टेड रे शुड पास थ्रू द फोकस। ये जो भी रिफ्रैक्टेड रे इसका बनेगा वो पास होगा फोकस से। चलो बना लेते हैं, इसके फोकस से पास करवा के देखते हैं कि क्या ये फोकस से पास हो रहा है। यस, इट इज पासिंग थ्रू द फोकस। तो ये मेरा फर्स्ट रूल हो गया। सिमिलरली यहां पे भी ये पास होगा फोकस से। मेरा इमेज कहां पे बन रहा है, इमेज कहाँ पे बन रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा लॉन्ग ले जाता हूँ। तो जो मेरा इमेज बन रहा है वो एट फोकस बन रहा है। तो इमेज कहाँ पे बनेगा अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो वेयर वुड बी माई इमेज? तो इमेज विल बी एट फोकस, कहाँ पे होगा, फोकस होगा। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज एट फोकस, ये फर्स्ट केस है आपका, इमेज एट फोकस। अब इसका नेचर भी पूछा जाता है आपको कि कैसा नेचर है। देखो अभी ये राइट हैंड साइड पे है, ठीक है, तो उसका इमेज एकदम प्रॉपर आप ट्रेस कर पा रहे हो, तो आप इसे बोलते हो बच्चों ये रियल इमेज है, इट्स अ रियल इमेज। वर्चुअल कब होता है, जब हम लोग वर्चुअल लाइन से उसको बनाने की कोशिश करते हैं, उसे ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो ये रियल इमेज है, राइट है। इसका साइज के बारे में अगर मैं बात करूं, इसका नेचर तो रियल है, इसका साइज के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये साइज पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज है, दिस इज पॉइंट साइज,
ओके पहली चीज ये रियल इमेज है, इट इज पॉइंटराइज्ड, और ये याद रखना ना ये रे को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टेड रे। ये हमेशा लिखने की जरूरत वैसे यहाँ पे तो नहीं है, बट आप लोग थोड़ा समझ लो खुद से कि किसे इंसिडेंट कहेंगे किसे रिफ्रैक्टेड कहेंगे। ये फर्स्ट इमेज में मैं समझाऊंगा, इसके बाद वाले में ये चीजें मैं नहीं लिखूंगा रिफ्रैक्टेड इंसिडेंट रे। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आ गया कि जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा जाए इनफिनाइट डिस्टेंस पे तो इसका इमेज पॉइंट साइज बनता है, और वो कहां पे बनता है एट फोकस बनता है। मतलब जो हम लोग स्टार्स को देख रहे हैं एक्चुअली हमारे जो वो इमेज उसका बन रहा है वो हमारे ह्यूमन आई के फोकस पे बन रहा है, जिसके वजह से वो पॉइंट साइज दिख रहा है। दिस इज द केस वन। सिमिलरली आप जा सकते हैं केस टू के लिए भी, सेम सेटअप लेना है आपको। अच्छा भाई ये सेटअप बनाते कैसे वो भी बता दो। ये दिस इज अ फ्रेम जो आपको हमेशा बनाने आना चाहिए। कैसे बनाते हैं, बहुत इजीली। आप एक कोई भी लेंस बना दो, एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच लो। याद रखना कि आपको एक सेंटर ऑफ कर्वेचर चूज करना है। फॉर एग्जांपल यू चूज 8 सेंटीमीटर अगर आपने चूज किया, ठीक है, तो फोकस को कहां पे रखना है 4 सेंटीमीटर पे। ओके क्यों? बिकॉज आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का फोकस हाफ होता है, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पूरे सीरीज में ये मैंने बताया है, तो ये याद रख लेना, इसलिए आप हाफ ले लोगे। ठीक है, इसे आप अगर इसे 12 लेते हो तो इसे 6 ले लो, अगर इसे आप समझो 6 ले रहे हो तो इसे 3 ले लो, एंड वो सो ऑन। वो आपके खुद के अंडरस्टैंडिंग से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आप कोई और नंबर ले सकते हो कि नहीं। तो मैंने एक अप्रोक्सीमेटली एक नंबर लिया है और उसका हाफ कर दिया है, तो उससे क्या होगा आपका इमेज प्रॉपर बनेगा, याद रख लेना। ठीक है, चलिए सो अब सेकेंड केस ले लेते हैं, केस टू लेते हैं। केस टू, अब केस टू में हम क्या करेंगे कि अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से आगे ले आएंगे। तो लेट से मेरा ऑब्जेक्ट जो अभी मैं रखने वाला हूं वो कहीं पे, लेट से यहां पे है, यहां पे उस ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं। अब यहां पे मतलब क्या, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, तो क्या मैं कह सकता हूं ऐसा कि ये बियॉन्ड ऑब्जेक्ट जो है आपका वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर आप बियॉन्ड सी लिख दो तो भी चलेगा अभी के लिए। ठीक है, सी वन या फिर सी। ओके, अब इसमें आपका इमेज कहां बनेगा ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, इमेज कहां बनेगा, चलो देखते हैं डायग्राम बना के देखते हैं कैसे बनेगा। चलिए तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट तो हमारे पास है, इमेज बनाने का पहला स्टेप। तो आपके पास तीन रूल है, आप वो तीन रूल में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं पहला रूल यूज करता हूं। फर्स्ट रूल क्या है, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो समझिए मेरा इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहां से पास होना चाहिए। इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे शुड पास थ्रू द फोकस। अच्छा, आपने एक चीज देखा, एक चीज ऑब्जर्व किया बच्चों, मैं हमेशा हर लेक्चर में भी ये कहता हूं, जब भी मैं ये डायग्राम्स बनाता हूं मैं ना वो स्टेटमेंट पूरा बोलता हूं। मैं चाहूं तो ऐसे बोल दूंगा ये पैरेलल तो फोकस से जाए, नहीं, स्टेटमेंट पूरा बोलोगे तो आपको कैसा हो जाता है, वो चीजें समझ में आती है और याद हो जाती है अच्छे से। ओके, तो पढ़े लिखे दोनों बनना चाहिए। ठीक है, पढ़ते हुए लिखते हुए चलते जाओ। ओके, उसके बाद आपके पास दो राय है, दो ऑप्शन है एक्चुअली। ओके, एक है आप ऑप्टिक सेंटर से ले जाओ, है ना, रूल टू लगा के, या फिर आप रूल थ्री से क्या कर सकते हो, फोकस से ले जाओ और उसे पैरेलल कर दो, उसे पैरेलल कर दो, वो भी आपका चलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं रूल टू अप्लाई करता हूं, इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। इफ द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, देखो अभी पास हो रहा है तो देर इज नो रिफ्रैक्शन, राइट, हमने देखा था इसमें नो रिफ्रैक्शन इज ऑब्जर्व। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो इमेज बनेगा वो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे बनेगा। जस्ट चेक इट आउट, क्या वो इस पॉइंट पे बन रहा है। अच्छे से देखो, जहां पे ना मीट करते हैं आपके इमेजेस, ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, जहां पे आपके रेज मीट करते हैं उस पॉइंट पे हमारा इमेज बनता है। लेकिन अभी इमेज ना नीचे की तरफ है, देखो अभी इमेज कहां पे बना, नीचे की तरफ बना है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो इमेज बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, राइट, ऐसा बना है। ऑब्जेक्ट देखो इतना बड़ा था, इमेज छोटा हो गया है, राइट, इट इज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, और जो इमेज है वो यहां पे है, दिस इज इमेज। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब भी मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा तो मेरा इमेज जो है वो बिटवीन बिटवीन सी टू एंड F2 होगा, या फिर F2 एंड C2, C2 और F2 के बीच में मिल रहा है। वेरी गुड, सो दिस इज डन। अब देखो यहां पे इस चीज से मुझे इसका नेचर कैसे समझ में आ रहा है, मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इन्वर्टेड इन नेचर है। सर इन्वर्टेड बोले तो, इन्वर्टेड मतलब बच्चों उल्टा, राइट, ऑब्जेक्ट इरेक्ट था, समझो ये ए बी था अगर, तो मेरा जो इमेज है वो बी डैश ए डैश बना है, मतलब उल्टा बना है, देखो है ना, टॉप डाउन में हो गया है। सो दिस इज इन्वर्टेड इन नेचर। एंड नेक्स्ट इज इट इज रियल, है ना, रियल है और राइट हैंड साइड पे बना है, रियल बना है। एंड साथ में अगर इसके बारे में बात करूं, इसका साइज में क्या हुआ है। अब देखो दो चीजें होती है मैग्निफिकेशन में, अगर ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनता तो उसे हम बोलते हैं मैग्निफाइड इमेज, अगर ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनता तो उसे हम कहते हैं डिमिनाइज्ड इमेज। तो ये है आपका डिमिनाइज्ड इमेज, डिमी
नाइजेस्ट, या फिर आप बोलोगे डिमिनिस्ड इमेज, ठीक है। तो ये इमेज कैसा है, इमेज का नेचर क्या है? इमेज का नेचर ऐसा है कि वो बहुत ही शांत स्वभाव का है, नहीं ऐसा नहीं, इन्वर्टेड है, रियल है एंड डिमिनिस्ड है, ठीक है। तो ये केसेस भी समझ में आ गए, ये डायग्राम भी समझ में आ गए। देखो बच्चों मैं बोलता हूँ कलर से आप खेलो तो ना डायग्राम बहुत ब्यूटीफुल लगेगा आपको देखने में। चलिए अब थर्ड केस के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल केस, ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल केस है। क्यों? ओके अभी समझिएगा। ओके चलो एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इसमें अभी ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग कुछ अलग करेंगे। लेट से कि हमारा जो केस थ्री है, केस थ्री में हम लोग कंसिडर करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ओके ऑब्जेक्ट एट सी है, ऑब्जेक्ट एट सी वन। देखो अभी हम लोगों ने पहले इन्फिनिटी पे लिया था, फिर बियॉन्ड सी लिया था, यहाँ पे लिया था, अब हम लोग एट सी लेते हैं। अगर हम एट सी लेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे बनेगा, राइट। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गया फॉर एग्जाम्पल, तो ये लेट से ये मेरा ऑब्जेक्ट है, हम इसे नाम दे देते कुछ, इस ऑब्जेक्ट को क्या नाम दूं, ए बी, ए बी दे देते हैं। ओके दे दिया ए बी। अब इसमें से वही सेम करेंगे, रूल वन रूल टू लगा दो, या फिर रूल वन रूल थ्री लगा दो, या फिर टू और थ्री लगा दो, कोई भी लगा सकते हो। मैं वन और टू अप्लाई करूंगा, वो ज्यादा ईजी लगता है मुझे, अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से रूल वन अप्लाई करते हैं, पहले इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द फोकस। फिर से बोला मैंने, फिर से स्टेटमेंट बोला, बनाते समय बोलो। जरूरी है क्या सर कोई गन पॉइंट पे रखा है? नहीं जरूरी नहीं है, बट क्या है इंपॉर्टेंट कि आप बोलोगे तो आपको भी वो हैबिट पड़ जाएगी चीजों की, तो आप गलतियां नहीं करोगे, ठीक है। इट्स अपॉन यू, कि ऐसा नहीं है कि सर ने किया तो हम भी करेंगे, बट इट्स टोटली अपॉन यू। एंड फिर एक रूल टू अप्लाई कर देते हैं, और रूल टू के हिसाब से ये कहाँ पे जा रहा है, या यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। मैं इसे भी बना लेता हूँ, ये रूल टू के हिसाब से ऐसा चले गया। अब हमें देखना है कि वो कहाँ पे मीट कर रहे हैं, कहाँ पे मीट कर रहे हैं, चलो देखते हैं। तो मेरे हिसाब से वो यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, चेक करो क्या वो इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, जो कि एग्जैक्टली सी टू के नीचे है, सी टू के एग्जैक्टली नीचे। देखो सी वन पे रखा था मैंने, और इमेज कहाँ पे बन रहा है, अब मेरा जो इमेज है, इमेज एट सी टू बन रहा है, राइट। सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पे लिया मैंने ऑब्जेक्ट, तो दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन गया, राइट। लेंस कोई भी हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसा भी हो, बट बाय कॉन्वेक्स लोगे तो ज्यादा प्रॉपर इमेज बन जाएगा। तो यहां पे देखो मैं इसे उल्टा बना देता हूं, तो मेरा जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड मिलेगा नीचे की तरफ, और वो कुछ ऐसा मिलेगा। तो इधर लिख देते हैं हम लोग कि ये इमेज है, ये है आपका ऑब्जेक्ट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर इमेज, दिस योर इमेज, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है आपका, और कहां पे बन रहा है, एट सी टू बन रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट भी सी वन पे है तो इमेज भी सी टू पे बनेगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक चीज देखा आपने, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बढ़ रहा ना, इमेज पीछे पीछे जा रहा, राइट। अब और देखते हैं, अब आप थोड़ा सा गेस करो खुद से कि अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे नेक्स्ट केस में यहां पे लेके आ जाऊं तो क्या इमेज यहां पे बनेगा? यस, बनना चाहिए अगर हम लोग सही जा रहे हैं तो, ठीक है। अच्छा इसके बारे में बात करते हैं। अब ये केस थोड़ा सा मैंने ये बोला कि बहुत अच्छा केस है, क्यों? देखो इसमें इमेज इज इन्वर्टेड, पहली बात ये उल्टा है, राइट है, इन्वर्टेड है, बट इट इज ऑफ सेम साइज, सेम साइज का है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वर्टेड तो है लेकिन देखो दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है। अगर ये ए बी है, अगर ये बी डैश ए डैश है, तो मैं बोल सकता हूं कि ए बी का जो हाइट है दैट इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश का हाइट, हाइट दोनों का मैच करेगा, ठीक है, डन। एंड ये रियल है अगेन, है ना, सेम साइड पे बन रहे तो रियल है, ओके दिस इज डन, राइट है, क्लियर है, ओके okay. अब केस फोर के बारे में बात करते हैं। अब लेट से केस फोर में क्या होगा, अच्छा मैं हर एक चीज स्क्रैच से लिख रहा हूँ, ओके okay. ऐसा ना हो कि आपको प्रिंटेड प्रिंटेड की आदत पड़ गई होगी, ऐसा कुछ वेबसाइट से इमेजेस मिल जा रहे आप छाप दे रहे हो डायरेक्टली, खुद से बनाओ, मजा आता है करने में, ठीक है। आप बोले सर एक चैप्टर को इतना टाइम क्यों दे यार, कुछ नहीं टाइम जाता है, देखो ना एक हार्डली 20 मिनट्स लगेंगे, लेकिन वो 20 मिनट्स आपके पूरे ईयर के लिए होंगे, तो पूरे ईयर में से 20 मिनट्स एक टॉपिक को अगर अच्छे से देते हो दैट इज वेरी गुड। चलिए ठीक है, हो गया प्रवचन, साइड में करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस डायग्राम को। केस फोर में हम लोग क्या करते हैं, केस फोर में केस ऐसा लेते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी वन एंड एफ वन ले लेते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी वन और एफ वन के बीच में ले लेते हैं। चलो यहाँ पे कहीं पे एग्जैक्टली बीच में रखना है क्या सर? नहीं, जरूरत नहीं है ऐसे। ए डैश किधर है भाई? बी, ए बी उसका हाइट है, ओके okay, अब इमेजेस बनाने हैं, फिर से वही रूल वन रूल टू, वही सेम 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 कहानी रिपीट करनी है आपको, दो रूल अप्लाई करने हैं कोई भी, ओके okay, कर दो। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, ओके तो ये मेरा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, इट इज गोइंग थ्रू द फोकस, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द फोकस,
एंड नेक्स्ट वाला जो रूल अप्लाई करना है आपको, क्या अप्लाई करना है आपको, कि इंसिडेंट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो सीधी सीधी चले जाती है, कि रुकती नहीं है किसी के लिए, चले गई। इमेज कहाँ बना, कहाँ बना, यहाँ बना, ओके यहाँ पे बना है आपका इमेज, राइट। तो मैं बोलूँगा ये है आपका ए डैश, ये यहाँ पे कहीं पे बी डैश बने हैं, तो चलो पहले बी डैश भी बना लेते हैं। तो मेरा जो बी डैश है वो कहाँ पे बने हैं सर, यहाँ से ऊपर की तरफ, यहाँ पे कहीं पे, और ये मेरा इमेज है, तो ए डैश हो गया है और ये बी डैश हो गया है, बी डैश हो गया। अब कहाँ पे बना है, बियॉन्ड सी टू बना है, तो मैं बोलूंगा इमेज कहाँ पे बना है मेरा, इमेज इज बियॉन्ड सी टू, याद आ रहा है, बियॉन्ड सी वन रखा था तो बिटवीन सी टू एंड एफ टू बना था, बियॉन्ड सी टू आ रहा है, उल्टा केस एज ऑफ सेकेंड, राइट। ये भी इमेज डन है, इन्वर्टेड है, अगेन इन्वर्टेड इमेज है, बट अगर आप अभी देखो तो इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, तो मतलब मैं बोलूंगा इट इज मैग्नीफाइड इमेज, इट इज मैग्नीफाइड इमेज, इससे पहले सेम साइज था, यहाँ पे मैग्नीफाइड है, और कहाँ पे है ये, रियल साइड में, तो दिस इज रियल इमेज, ये है आपका रियल। तो ये नेचर ऑफ इमेज अगेन हो गया, ओके नेचर मिल गया इमेज का, नेचर ऑफ इमेज, ऐसा लग रहा है ना इसका रिश्ते की बात हो रही है ना, नेचर बताओ कैसा है, स्वभाव है, सुशील है हमारा लड़का, ओके दिस इज डन, राइट। केस फोर भी डन है, अब दो और केस करना है, जैसे केस फाइव एंड केस सिक्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब हम लोग बात करें नेक्स्ट केस के बारे में, और ये केस में क्या बात करना है हमें, केस ऐसा कंसिडर करना है, केस फाइव कंसिडर करना है, जब ऑब्जेक्ट हमारा अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में था, अब हम लोग फोकस पे ले लेते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एट फोकस ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट एट फोकस ले लेते हैं, या फिर एट फोकस वन एफ वन, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो एट एफ वन है, तो मुझे बताओ उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, ये मेरा डाउट है और वो आपका भी डाउट होगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं और इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है कुछ इतने हाइट का, ऐसा कुछ ले लो, ठीक है। अब यहाँ से वही सेम राम कहानी वही है बच्चों, क्या करना है आपको, पैरेलल रे ऑफ लाइट ले जाना है, राइट, पैरेलल रे ऑफ लाइट ले जाना है और उसे पास करना है फोकस से, तो स्टेटमेंट क्या आएगा, अब मन में आपके भी गुनगुनाने लग गए, यस और नो, अरे गाना नहीं, कौन सा, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू द फोकस, ओके दोनों एक्चुअली रूल सेम है ना, रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड वाला हमेशा हो जाता है मेरे साथ, ओके दिस इज डन। आप बोले सर इतना बार बोल बोल के भी गलत कर रहे हो हमें क्या सिखाओगे, अच्छा ठीक है, सो दिस इज योर इंसिडेंट रे जो कि पहला रूल के हिसाब से चल गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, रूल चेंज कर देते हैं, रूल चेंज करते हैं मतलब हम नहीं बदलेंगे, रूल के हिसाब से ऑप्टिकल सेंटर से ले जाते हैं, अब सेकेंड रे को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से ले जाते हैं, तो ये भी सीधा सीधा निकल जाएगा, राइट। लेकिन सर ये मीट कहाँ कर रहे हैं, मीटी तो नहीं कर रहे हैं, ये भी आगे आगे चले जा रहा है, ओके यहाँ से निकला और ये आगे आगे चले गया, ये भी निकला और ये भी आगे आगे चले गया, तो सर मीट कहाँ करेंगे दोनों, कहीं नहीं, तो लेट्स कंसीडर, ओके ये कहाँ पे जाएंगे, बिकॉज पैरेलल रेज ऑफ लाइट है, राइट, याद करो पैरेलल रेज ऑफ लाइट कहाँ से आते थे, इनफिनाइट डिस्टेंस है, तो जाएंगे कहाँ पे, इनफिनाइट डिस्टेंस पे, तो हम बोलेंगे कि ये जा रहे हैं टूवर्ड्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, इनफिनाइट डिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज एट इन्फिनिटी मिलेगा, इनफिनाइट डिस्टेंस मिलेगा, है ना, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी था तो इमेज फोकस पे मिला था, राइट, अब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इनफिनाइट डिस्टेंस पे मिल रहा है, राइट, ये दे नेवर गोना मीट, राइट, तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं ऐसे कि वो इनफिनाइट डिस्टेंस पे मिलेंगे, वेरी गुड। इसका इमेज के बारे में अगर बात करते हो, अगेन यहाँ पे मिलने वाले मतलब इन्वर्टेड तो है, दे आर इन्वर्टेड, है ना, उल्टा ही होंगे ना अगर आगे जाके मिलते हैं कभी तो, ओके, एंड देन वो रियल है, राइट हैंड साइड में बन रहे हैं, एंड नेक्स्ट इज उनका जो नेचर है, ओके, वो हाईली मैग्नीफाइड होगा, इट इज हाईली मैग्नीफाइड, बहुत दूर मिलेंगे ना, थोड़ा दूर मिल रहे थे, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मिले तो हम लोग ने मैग्नीफाइड बोला, दिस इज हाईली मैग्नीफाइड, ओके, रियल भी है सब कुछ है, चलो ये हो गया फिर से नेचर, ठीक है, ये नेचर आप साइड में, अच्छा यही पूछे जाते हैं, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसका नेचर क्या होगा, यहाँ पे तो उसका नेचर क्या होगा, एंड सो ऑन, तो ये आपको डन है, ओके, रूल वन एंड रूल टू से, आप लोग रूल थ्री से भी ट्राई कर सकते हो, इमेजेस बहुत ही ब्यूटीफुल बनते हैं। चलिए अब लास्ट केस के बारे में बात करते हैं, एंड दिस इज माई वन ऑफ माई फेवरेट केस, ओके, बिकॉज ये थोड़ा अलग है ना, तो जो अलग रहता ना वो मुझे अच्छा लगता है, जैसे रूल थ्री केस थ्री था, केस सिक्स के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं एट, नहीं बिटवीन लेते हैं, बिटवीन एफ वन एंड ओ, या फिर
F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लेते हैं, मतलब यहाँ पे कहीं पे लेते हैं। देखो पहले इन्फिनाइट पे लिया, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे लिया, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लिया, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में लिया, अब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लेते हैं यहाँ पे कहीं पे, और देखते हैं इसका इमेज कैसे बनने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी इसका इमेज कैसे बनेगा। तो पहली चीज जो है, बनाओ कि ऑब्जेक्ट को रख दो पहले। तो लेट्स से यहां पे मेरा ऑब्जेक्ट रखा गया है ऐसे ऐसे। रूल वन, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द फोकस। ठीक है, ये फोकस पे पास होगी, हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। ओके, ये ऐसे ही निकल जाएगी, रूल वन। अब उसके बाद में कौन सा रूल हम लोग ने अप्लाई किया था। ओके, वी हैव अप्लाइड रूल, रूल कौन सा मैं भूल गया, रूल टू। ओके, पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, और ये सीधी सीधी निकल जाएगी। अब बच्चे बोले सर ये भी इन्फिनाइट डिस्टेंस पे मिलेगा। नहीं बच्चों, दीज आर डाइवर्जिंग। अगर आप देखो ये रेज डाइवर्ज होते जा रहे हैं, तो इन्फिनाइट डिस्टेंस में नहीं कंसिडर कर सकते। हाँ, अगर कन्वर्जिंग हो या फिर पैरेलल हो, हम लोग बोल सकते हैं इन्फिनाइट डिस्टेंस पे, बट अब ये डाइवर्जिंग है, तो ये दे नेवर गोना मीट, ये कभी मिलेंगे ही नहीं, है ना, डाइवर्ज हो रहे। कोई दो दूसरे रास्ते से जा रहे हैं तो मिलेंगे या नहीं, अनटिल अनलेस वो रास्ता फिर से कन्वर्ज हो एक जगह, तो ये दोनों तो नहीं होने वाले ऐसे। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये दोनों इमेजिनरली, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, इमेजिनरली पीछे मिलेंगे। अगर मैं एक लाइन ऐसे बना दूँ, ओके एक डॉटेड लाइन ले लेते हैं हम लोग, इमेजिनरी लाइन, इसको मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अच्छा इसमें ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि C1 के पास मिले, C2 के पास मिले, F1 के, F2 के, डजंट मैटर। आप अभी के लिए इमेजिनरी लाइन ले लो, एंड देन यहां से भी मैं एक डॉटेड लाइन खींच लेता हूँ। ओके, जो कि पासिंग दैट फ्रॉम द फोकस वाला ही पार्ट ले लेते हैं, और इसको भी स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, तो शायद से ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे वर्चुअली मिलेंगे। देखो अगर आप देखो, दे आर मीटिंग वर्चुअली, है ना, वर्चुअली। लेकिन कहाँ मिल रहा है, देखो ये पीछे मिल रहा है ना, कहाँ पे मिलना चाहिए था, आगे मिलना चाहिए था रियल इमेजेस के लिए, लेकिन ये कहाँ पे मिल रहा है, ये वर्चुअली मीट कर रहे हैं। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ जो इसका इमेज होने वाला है वो एक्चुअली में एक वर्चुअल इमेज होने वाला। कौन सा इमेज होने वाला है सर, वो एक वर्चुअल इमेज होने वाला है, राइट। तो मैं इसे एक स्ट्रेट लाइन से बना लेते हैं, ओके, डॉटेड की जरूरत नहीं है, एक वर्चुअली ले लेते हैं इसे। तो ये जो इमेज बन रहा है आपका, वो वर्चुअल इमेज बन रहा है। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये जो पार्ट है, अगर ये ए बी है, लेट्स से ये पार्ट ए बी है, ए बी है, तो ये आपका ए डैश बी डैश हो जाएगा। बट अगर आप ध्यान से देखो इसे, ये ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस बन रहा है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड ऑफ द लेंस, लेंस के सेम साइड पे बनेगा। और अगर इसके नेचर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इरेक्ट। इतना तक अभी तक हम लोग जो भी लिख रहे थे वो सब इन्वर्टेड थे, उल्टे थे, बट देखो ये सीधा है, ए बी है तो ए डैश बी डैश, तो दिस इज इरेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड इज इट इज हाईली मैग्निफाइड। अगेन देखो बहुत ही बड़ा है, ऑब्जेक्ट से बहुत ही बड़ा है, दिस इज हाईली मैग्निफाइड। एंड लास्ट चीज जो अगर मैं पूछूं, इसका नेचर क्या है, क्या ये वर्चुअल है या फिर रियल है। रियल होता तो वो राइट हैंड साइड पे बनता, बट ये कहां पे बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे बन रहा है, तो दिस इज वर्चुअल इन नेचर। इसका एक एग्जैक्ट रियल पॉइंट नहीं मिल रहा, तो वर्चुअल इमेज है। तो ये नेचर ऑफ इमेज अगेन आप लिख सकते हो यहाँ। अब समझ में आ रहा है, दिस इज एक्सेप्शनल केस जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो आपको ये भी पूछा जाता है कि वर्चुअल इमेज किस केस में बनता है, तो आप बोलोगे जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, तब। यहाँ तक क्लियर है? तो ये छह केसेस हम लोगों ने आज कवर किए बच्चों, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सेशंस के लिए। तो केस वन से लेके केस सिक्स के डायग्राम्स प्लीज बना लीजिए, नोट कीजिए उसे, ओके। और अगर सेशन अच्छा लगा आप सबको, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लेट देम नो कि ऐसे टाइप के सेशन चल रहे हैं, ओके। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छा लगा लेक्चर को, एंड लाइक कर देना वीडियो को। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।